हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर में एक क्वेश्चन का शॉर्टकट सिखाऊंगा। क्वेश्चन ये है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुना हो जाती है तो बताओ वह धनराशि 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है, तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसको हम बहुत जल्दी 2-3 सेकेंड में कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, 2 × 2 होती है धनराशि 10 सालों में और 8 गुना कितने साल में होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं इसमें स्टूडेंट्स, इस 8 के सामने हम लोग ऊपर वाली संख्या लिखेंगे 2 और इस 2 के ऊपर इतनी पावर हम लिखेंगे कि उसकी वैल्यू 8 हो जाए। दोबारा बताता हूँ, इस 2 के ऊपर इतनी वैल्यू लिखेंगे कि इसकी पावर 8 हो जाए। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 जो होती है उसकी वैल्यू 8 होती है, 8 होती है। तो इस पावर की मल्टीप्लाई हम लोग इस वाले टाइम में कर देंगे और हमारा आंसर आएगा 10 × 30, 10 × 3 = 30। स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व, आइए और स्टडी करते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं कि और उसमें भी ये फॉलो होता है कैसे होता है। ये क्वेश्चन भी हम लोग कर देते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में ही क्वेश्चन को लिखेंगे। धनराशि 3 गुना होती है, 3 times होती है 15 साल में, और क्वेश्चन आपसे पूछेगा स्टूडेंट 27 गुना कितने साल में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 27 के सामने 3 लिखेंगे और 3 के ऊपर हम लोग इतनी पावर लिखेंगे कि उसकी वैल्यू तो 27 यानी 27 बन जाए। तो 3 की पावर 3 का मान 27 होता है और इस पावर की मल्टीप्लाई हम टाइम में कर देंगे और हमारा जवाब आएगा 45 वर्ष। लेकिन स्टूडेंट्स एक सवाल क्वेश्चन एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है पेपर में जहाँ पे हम पावर पूरी पूरी नहीं बन पाती है और विद्यार्थी उस क्वेश्चन को करने में असक्षम हो जाता है। सारे विद्यार्थी जितने कॉम्पिटिशन तैयारी करते हैं सबको ये ट्रिक तो आती है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए, उदाहरण के तौर पर देखिए यहाँ पे ध्यान से, धनराशि 8 गुना होती है, 8 times होती है 3 years में, और हमको जवाब देना है कि 16 गुना यानी 16 times कितने साल में हो जाएगी। स्टूडेंट्स ये हमें देना है, तो इस क्वेश्चन में ये वाला रूल लगाने में दिक्कत आती है। देखिए स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चन आपको शायद किताबों में बुक्स में बहुत कम मिलेगा, तो कैसे कर सॉल्व करते देखिए। अगर मैं इसमें ये रूल लगाना चाहूँ, 16 के सामने हम 8 लिखेंगे और 8 के ऊपर यहाँ इतनी पावर लिखेंगे कि उसका मान 16 हो जाए, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई पावर परफेक्ट नंबर में नहीं आने वाली, तो यानी शॉर्टकट हमारा ये फेल होता है। तो अब यहाँ पे क्या नीति है, तो स्टूडेंट देखिए अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पेपर में आए तो क्या करें। सबसे पहले इन दोनों नंबर को ध्यान से देखिए, 8 है 16 है, ये दोनों नंबर किसी एक ही नंबर की पावर है और ये पावर है 2 की, ये 2 की पावर 3 है और ये 2 की पावर 4 है। अब हम क्या करेंगे, इस वाली पावर से इस वाले टाइम को डिवाइड करेंगे और ये 1 आएगा डिवाइड करके, और जो 1 आएगा डिवाइड करके उसकी मल्टीप्लाई इस वाली पावर में, तो हमारा जवाब आएगा 4 इयर्स। स्टूडेंट्स इसी के ऊपर भी हम एक या दो क्वेश्चन और करते हैं। 25 × 25 धनराशि होती है स्टूडेंट्स 18 साल में, और हमें बताना है 125 × 125 कितने साल में होगी धनराशि। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों नंबर को ध्यान से देखिए, ये दोनों नंबर 5 की पावर है और ये 5 की पावर 2 है और ये 5 की पावर 3 है। तो हम क्या करेंगे, इस पावर 2 से इस वाले टाइम को डिवाइड करेंगे सबसे पहले, और डिवाइड करके यहाँ पर 9 आएगा और इस 9 की मल्टीप्लाई हम लोग इस वाले पावर में करेंगे 3 में करेंगे और 27 आएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग तरीके से बताया है, क्योंकि जो सामान्य क्वेश्चन है वो सब विद्यार्थियों को पता रहता है, लेकिन जो विशेष क्वेश्चन है ये विद्यार्थियों को नहीं पता रहता। तो स्टूडेंट्स आज का ये शॉर्टकट यहीं खत्म होता है, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और आइकॉन जो बेल है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा।